हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्किल नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको MS वर्ड पर क्लिप आर्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप क्लिप आर्ट का यूज़ भी करते होंगे फिर भी आपको शायद ये जानकारी ना हो जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट। आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम विंडो प्लस आर का यूज़ करके इस डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड टाइप करके इंटर दबा देते हैं। तो अब हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, क्लिप आर्ट के बारे में आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सीखने के बाद आपको कंप्यूटर यूज़ करने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो देखिए, क्लिप आर्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको माउस पकड़ लेना है और फिर सीधे इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए राइट साइड में क्लिप आर्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको सर्च फॉर वाले बॉक्स में, जैसे मान लीजिए हम कार टाइप कर देते हैं और इंटर दबा दीजिए, या फिर माउस से गो पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, हमने गो पर क्लिक किया तो हमारे सामने तीन कार आ गई, मतलब तीन तरह की कार आ गई। और अब जैसे हमको एरोप्लेन चाहिए तो यहाँ पर प्लेन टाइप करके माउस से गो पर क्लिक करिए या फिर इंटर दबा दीजिए, तो क्लिप आर्ट में जितने भी एरोप्लेन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ तक इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे हमको इसमें से एक एरोप्लेन सेलेक्ट करना है तो किसी पर भी, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए अब हमारा ये प्लेन वर्ड की फाइल पर आ चुका है जो आप देख रहे हैं। अब बगैर माउस के समझ लीजिए, तो पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, बगैर माउस के क्लिप आर्ट को ओपन करने के लिए आल्ट प्लस एन प्लस एफ यानी कि आल्ट को दबा के छोड़ दीजिए और जस्ट एन और एफ को दबा दीजिए, तो आपके सामने क्लिप आर्ट का विंडो ओपन हो जाएगा और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, आपने बगैर माउस के ओपन तो कर लिया लेकिन क्लोज कैसे करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह आल्ट प्लस एन प्लस एफ मतलब आल्ट एन एफ को दोबारा यूज़ करने पर ये क्लोज हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको क्लिप आर्ट के बारे में सब मालूम हो गया होगा। वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।